हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अकेडमी एसएससी जेई चैनल में। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। और गाइस, आप सभी को जैसा कि पता है कल ये क्लास नहीं हो पाई थी, बट आज फिर से आपको मैंने ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ सर्किट ब्रेकर की। इसके अंदर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सर्किट ब्रेकर का इंट्रोडक्शन, कितने टाइप के स्टडी करने हैं हमें, क्या क्या आर्क फेनोमेना होता है, कैसे उसे इंटरप्ट करते हैं, ए से लेके जेड तक जितना सर्किट ब्रेकर के बारे में है सब कुछ अपन लोग पढ़ने वाले हैं। जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा और लाइक बटन प्रेस करके अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। सो पंकज, पवन, गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग टू एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सो गाइज, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात करूंगा कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं गेट एससी एई जेई एग्जाम के लिए तो आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़कर कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आपको सिर्फ राहुल 11 कोड अप्लाई करना है, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और गाइज, 10% डिस्काउंट के साथ साथ गाइज मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर आप 2021 एसएससी जेई को भी टारगेट कर रहे हैं तो अभी से हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, क्योंकि अब मौके आपके लिए आगे आने वाले। मैं अच्छा हूं गाइज, आप सभी को पता है एक्सेल बैच हमने लॉन्च किया था, यहाँ पर नेटवर्क पार्ट सेकेंड अक्टूबर से आ रहा है, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। यहाँ पर आप राहुल 11 कोड अप्लाई करके इसके अंदर एनरोल्ड हो सकते हैं। नेटवर्क पार्ट फर्स्ट में आपको कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है गाइस, और साथ के साथ पूरी टीम के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं इस कोड के साथ। करना क्या होगा, एसएससी एग्जाम में जाइए, सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करिए। सब्सक्रिप्शन आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ। यहाँ पर राहुल 11 कोड को अप्लाई करना है, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, एक साल का कोर्स आपको 5400 का पड़ेगा, ठीक है गाइस। अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, सारे पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं। आज का जो मॉक टेस्ट था उसका भी पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर चुका हूं अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल पर। गाइस, इस वीडियो को शेयर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप सभी का वेलकम है। सो गाइस, गुड इवनिंग पंकज, गौरव, एम्पलीफाइड ड्रीम्स, पवन, गुड इवनिंग गाइस। सो आज स्टार्ट करने वाले हैं सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर की क्लास में आप सभी का वेलकम है गाइस। देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्विच गियर प्रोटेक्शन, ठीक है, स्विच गियर प्रोटेक्शन। तो आज यार हमारा पहला का पहला चैप्टर है इसका सर्किट ब्रेकर, तो मैं आपको आज इसके अंदर पढ़ाने वाला हूं सर्किट ब्रेकर। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है सर जी, पहला तो क्वेश्चन मार्क ही, देखने में कैसा होता है, सब स्टेशन के अंदर जाएंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, करता क्या है, तो आओ देखते हैं सबसे पहले सर्किट ब्रेकर के बारे में। सो गाइज, यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा सर्किट ब्रेकर है क्या एक्चुअली में। देखो गाइज, आप सभी को पता है कि पूरा का पूरा अगर पावर सिस्टम देखा जाए तो पावर सिस्टम एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, पावर सिस्टम इज ए बिगेस्ट मैन मेड नेटवर्क। पावर सिस्टम नेटवर्क की अगर मैं बात करूं आपसे, ये बात आप एग्री करते हो कि नहीं करते, पावर सिस्टम एक बहुत बड़ा मैन मेड नेटवर्क है, 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा, हो सकता है उससे पहले ही हो जाए। अब यार जब ये नेटवर्क है और इसके अंदर क्या लगे हुए होते हैं बेटा, इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसमें लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, और इन भाई पूरे पावर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई बच्चा बता सकता है मेरे को, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है माई डियर? रिलायबिलिटी। एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर अपन लोग भरोसा कर सकते हैं, रिलायबिलिटी को बनाए रखना। अब यार इसके अंदर जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट खराब होंगे, जब इक्विपमेंट खराब होंगे तो कोई ना कोई पार्ट अपना क्या होगा, अनहेल्दी हो जाएगा, कोई ना कोई पार्ट अपना अनहेल्दी हो जाएगा, तो अनहेल्दी पार्ट को हेल्दी पार्ट से रिमूव करना, आइसोलेट करना, ये जो किया जाता है ड्यूरिंग द फॉल्ट, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉल्ट, समझ रहे हो बात, ड्यूरिंग द फॉल्ट, ठीक है, जब फॉल्ट हो पावर सिस्टम के अंदर और फॉल्टी पार्ट को रिमूव करना हेल्दी पार्ट से, वही काम किसके थ्रू किया जाता है यार, जल्दी बताओ,
सर जी सर्किट ब्रेकर के थ्रू किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर आपने सब स्टेशन में देखा होगा। ये जो आप देख रहे हैं गाइस डायग्राम, ये क्या है? ये है सर्किट ब्रेकर। क्या है आपके लिए? सर्किट ब्रेकर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये रिलायबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, यानी ये पार्ट समझ में आ गया। देखो मैंने जो पीपीटी बनाई है उसमें आपको एक एक चीज पॉइंट क्लियर कराता जाऊंगा, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और एनर्जी और डिस्कशन को राइट जगह पर हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये पार्ट आपको समझ में आ गया कि जो पावर सिस्टम में फॉल्ट होगा, फॉल्ट के टाइम के अंदर जो अनहेल्दी पार्ट को, ठीक है, अनहेल्दी पार्ट को, हाँ गाइज ये भी है, ठीक है, वोल्टेज फ्रिक्वेंसी, लेकिन यहाँ रिलायबिलिटी मैं लेकर चल रहा हूं क्योंकि सबसे पहली चीज तो सिस्टम रिलायबल होना चाहिए। तो अनहेल्दी पार्ट को जो रिमूव करेगा वही मेरा क्या होगा, पावर सर्किट ब्रेकर कहलाएगा। तो गाइज पर्पस क्या है सर सर्किट ब्रेकर का? देखो सर्किट ब्रेकर का जो मेन पर्पस है, सबसे पहली बात तो क्या काम करना, स्विच द लोड करंट, ठीक है, स्विच द लोड करंट सबसे पहला काम इसका जो पर्पस, ठीक है, स्विच लोड करंट। यार मान लो आपको सिस्टम को क्या करना है, एक बस से दूसरी बस पे ट्रांसफर करना है, ठीक है, ये बस बार फर्स्ट है, ये बस बार सेकंड है, आपको यहां से यहां ट्रांसफर करना है, तो आपको सिस्टम को पहले क्या करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा, फिर ट्रांसफर करोगे। तो यहां पर आपको कौन हेल्प करेगा? सर्किट ब्रेकर हेल्प करेगा, ठीक है, ठीक। दूसरा सबसे बड़ी बात है, जब फॉल्ट आए सिस्टम के अंदर, ठीक है, जब आपका सिस्टम के अंदर फॉल्ट आए तो उस फॉल्ट को क्या कर सकता हो, रिमूव कर सकता हो, ठीक है, फॉल्ट को क्या कर सकता हो, रिमूव कर सकता हो, यानी फॉल्ट के साथ उसकी कैपेबिलिटी हो स्टैंड होने की, ठीक है, स्टैंड होने की उसकी कैपेबिलिटी हो। तीसरा भाई आपका फॉल्ट करंट को ब्रेक कर सकता हो, है ना, तो वो हम ब्रेकिंग करंट पढ़ेंगे, ठीक है। आपका फॉल्ट आया क्योंकि फॉल्ट के टाइम में करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत ज्यादा हाई होने के टाइम में क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम से, तो उस सिस्टम की एनर्जी के साथ विद स्टैंड कर सके, ठीक है, ब्रेक कर सके नॉर्मल और फॉल्ट करंट को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना, कभी कभी ये पूछा भी जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई देखो फॉल्ट करंट नॉर्मल करंट से बहुत ज्यादा होता है, 50 गुना 100 गुना। तो गाइज उस टाइम फॉल्ट करंट विदाउट ब्लोइंग इटसेल्फ, मतलब अपने आप को बिना उड़ाए सिस्टम के फॉल्ट करंट को सस्टेन कर ले, ठीक है, फॉल्ट करंट के साथ सस्टेन हो जाए, तो वो गाइज क्या होगा, ये इसका पर्पस है। तो अगर पर्पस के बारे में आपसे बात की जाए तो पर्पस क्या हो गया भाई, नॉर्मल वर्किंग करंट और शॉर्ट सर्किट करंट को सेफली इंटरप्ट कर ले, ठीक है, पहला पॉइंट। गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि भाई फॉल्टी सेक्शन को सर जो आप फॉल्टी सेक्शन है उसे हेल्दी सेक्शन से रिमूव किया जा सके, और अपने आप को बिना उड़ाए अपने आप को बिना हार्म किए फॉल्ट करंट को कैरी कर सके, ठीक है, और सिस्टम को आइसोलेट कर सके हेल्दी पार्ट से। समझ के बाद पर्पस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पर्पस होता है सर्किट ब्रेकर का। समझ गए गाइस, आई होप दैट पॉइंट हैव बीन क्लियर टू यू, ठीक है गाइस। तो यही इसका मेन पर्पस है, ठीक, ये चार पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं सर सिलेबस में हमें कितने टाइप के सर्किट ब्रेकर पढ़ने हैं। तो बच्चे सबसे पहले एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और SF6, ठीक है, SF6, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड, इन पांचों को हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, लेकिन सर ये बताइए एक्चुअली सर्किट ब्रेकर के अंदर होता क्या है, सर्किट ब्रेकर के एक्चुअली अंदर होता क्या है? तो गाइस सबसे पहले अब इसकी बात करेंगे अपन ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की बात करूं तो यार सर्किट ब्रेकर के अंदर मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया था कि सर्किट ब्रेकर जो होता है किसके साथ कनेक्ट होता है, सर रिले के साथ कनेक्ट होता है। और बेटा रिले किसके साथ कनेक्ट होती है, सर जी सीटी और पीटी के साथ कनेक्ट होती है ना, और सीटी पीटी किसके साथ कनेक्ट होते हैं बेटा, लाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, और सर्किट ब्रेकर इन्हीं के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है, याद होगा ये डायग्राम।
अगर यहां पर नॉर्मल करंट से ज्यादा करंट आ गया तो रिले क्या करेगी, इस करंट को सेंस करेगी और कमांड देगी सर्किट ब्रेकर को कि सर्किट को क्या कर दिया जाए, ओपन या ट्रिप कर दिया जाए। तो ये काम होता है। लेकिन यहां पर इंटरनल पार्ट के बारे में बात करें तो यहां पर अपन लगाते हैं जूम। तो बेटा इंटरनल पार्ट में सबसे जरूरी चीज है, इसके पास क्या होता है, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है। बेटा सुमेन तुम तो यार उल्टी बात ही पूछोगे, काम की बात पूछो ना यार जो सिलेबस में, जिससे एग्जाम निकलता है। तो सर्किट ब्रेकर के दो कॉन्टेक्ट होते हैं, पहला कौन सा, फिक्स्ड कॉन्टेक्ट, दूसरा होता है मूविंग कॉन्टेक्ट। तो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट वो वाला पार्ट जो रिमूव मूव नहीं करेगा, दैट पार्ट नॉट मूव, ठीक है। और मूविंग पार्ट द पार्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर ब्रेकर इज मूव्ड। क्लियर गाइस, रेटिंग यार धीरे धीरे बताऊंगा ना यार, अभी रेटिंग बता दू नहीं बच्चे, नेटवर्क का क्लास मेरा यूट्यूब पे नहीं होगा, इट विल बी ऑन प्लस। तो गाइस आप आपने देखा कि जैसे ही आपका ये पार्ट, इससे पहले ये दोनों कैसे कनेक्टेड थे यार, इससे पहले ये दोनों इस तरीके से कनेक्टेड थे, मूविंग पार्ट और आपका फिक्स पार्ट। जैसे ही फॉल्ट हुआ और आपने सर्किट ब्रेकर को हटाया तो मूविंग पार्ट जो है, मूविंग पार्ट ये वाला मूविंग पार्ट है, ये वाला मूविंग पार्ट यहां से हट गया, समझ लो गाइस। तो यहां पर इस पार्ट को आपको दिमाग में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अब यहां पर ये जो चीज है, जैसे ये रिमूव हुए तो यहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, जब अपने पास सारा हिसाब किताब है तो यानी क्यों ना उनका यूज किया जाए। तो माय डियर यहां पर यूज, यहां पर आया आर्क, तो ये आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, है ना, ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना पता चल गया कि सर्किट ब्रेकर फॉल्ट के टाइम में हेल्दी पार्ट से अनहेल्दी पार्ट को रिमूव करेगा, दूसरा पार्ट सर्किट ब्रेकर को कमांड रिले देगी और सर्किट ब्रेकर जैसी रिले से कमांड लेगा सर्किट को ओपन कर देगा, और ओपन करने का मतलब होता है कि उसका जो फिक्स कॉन्टेक्ट से मूविंग कॉन्टेक्ट क्या हुआ, हट गया। इस ड्यूरेशन के दौरान आर्क प्रोड्यूस होगा, इतना तो पता चल गया। सर फिक्स्ड पार्ट वो है जो सर्किट ब्रेकर के अंदर स्थिर रहेगा। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया आर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार ये जो पार्ट है आर्क इन सर्किट ब्रेकर, आर्क इन सर्किट ब्रेकर गाइस, तो ये जो फेनोमेना है, अब देखो जैसे ही फिक्स्ड कॉन्टेक्ट से मूविंग कॉन्टेक्ट अलग हुआ ड्यूरिंग फॉल्ट, फिर वो चाहे ड्यूरिंग फॉल्ट हो या आप लाइन को ओपन कर रहे हो या लाइन की ओपनिंग कर रहे हो, ठीक है, तब इस ड्यूरेशन पर क्या पैदा होगा, आर्क। और आर्क आप देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, समझ रहे हो भाई। तो यहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ गाइस, आर्क, ये वाला पार्ट। अब ये जो आर्क है क्या, अगर यार आर्क के बारे में बोला जाए बहुत आसान भाषा में तो माय डियर आर्क है आपका स्पार्क, क्या है, स्पार्क। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपकी सारी बात ठीक है, बस ये बता दो कि जब ये रिमूव हुआ, जब व्हेन द कॉन्टेक्ट्स आर रिमूव्ड देन व्हाई आर्क इज प्रोड्यूस्ड, है ना भाई, ये आर्क क्यों प्रोड्यूस हुआ सर, जब कॉन्टेक्ट को आपने हटाया तो ये आर्क क्यों प्रोड्यूस हुआ, इसके बारे में बताओ। तो बेटा अब हम अगला स्टेप पढ़ेंगे इसे, आर्क की प्रक्रिया, आर्क फेनोमेना। तो देखो यहां पर आपको दिख रहा है ये आर्क, जैसे ही कॉन्टेक्ट रिमूव हुआ, ठीक है, मूविंग कॉन्टेक्ट रिमूव हुआ तो यहां पर प्रोड्यूस हुआ आर्क कुछ इस तरीके से, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब इस आर्क को आप क्या कह सकते हो, स्पार्किंग कह लो, है ना, लेकिन ये आर्क आया क्यों। चलो यार ये बात तो समझ में आ गई होगी तुम सबको, पहला पॉइंट कि
जब सर्किट ब्रेकर स्टार्ट होगा, व्हेन द सर्किट ब्रेकर स्टार्ट ओपन, तो माय डियर व्हाट विल हैपन? बिल्कुल बिल्कुल, अभी नहीं, आयोनाइजेशन ऑफ एयर तो एकदम से पता क्या कह देना होता है, जैसे आपने बच्चों वाली बात कर ली। अगर अब मैं आपसे कहूं आयोनाइजेशन क्यों हुआ, यार ये तो वे लोग यूज करते हैं जो कॉन्सेप्ट को बीच में खा जाते हैं, अपना काम खाने का नहीं, अपना खाने का नहीं है काम। तो बेटा जब सर्किट ब्रेकर ओपन होगा तो बेटा क्या होगा, मूविंग कॉयल, मूविंग कॉन्टेक्ट रिमूव फ्रॉम फिक्स्ड इज मूव फ्रॉम, एक यहां मैंने रिमूव लिख दिया, इट इज मूव फ्रॉम, इट इज मूव फ्रॉम, इट इज मूव फ्रॉम, नहीं भैया पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, मूविंग कॉन्टेक्ट मूव फ्रॉम फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। अब बेटा जैसे ये हुआ, ठीक है, जैसे ये हुआ माय डियर, जैसे ये हुआ तो बेटा एक बात बताओ, जो कॉन्टेक्ट एरिया है, कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन द प्लेट्स, बच्चे क्या हो गया, सर जी कम हो गया। जैसे ही कम हो गया तो आप सभी को पता है करंट डेंसिटी क्या होती है, ये जब बेटा एरिया कम हो गया तो आपकी करंट डेंसिटी बढ़ गई, बताओ हां कि ना, करंट डेंसिटी भाई यहां से एरिया क्या हुआ, इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का एरिया कम हो गया, पहले एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे, अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हट गया इनका, तो करंट डेंसिटी क्या हुआ, करंट डेंसिटी बढ़ गई सर। अब बेटा हम सबको पता है ओम्स का एक नियम होता है ये, तो बेटा करंट डेंसिटी समानुपाती होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जब माय डियर आपका करंट डेंसिटी बढ़ेगा तो एक बात बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब माय डियर बढ़ेगा तो क्या होगा, आप सबको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वोल्टेज ग्रेडियंट है आपका, यानी V by L, ये वाला पार्ट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो यानी क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो बच्चे क्या होगा, फिर शुरू होगा सर आयोनाइजेशन ऑफ एयर, आयोनाइजेशन ऑफ एयर यानी हवा का आयनीकरण। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और अगर ये डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ माय डियर ज्यादा होती, अगर ये डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती तब क्या होता, देयर इज ए नो आयोनाइजेशन, हाँ बहुत बढ़िया। तो यहां पर हवा क्या हो गई आपकी, आयोनाइज्ड हो गई। तो सर आयोनाइजेशन से क्या हो गया, तो अगर आपको याद हो मैंने कोरोना के अंदर पढ़ाया था बेटा आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाना। बेटा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी, जल्दी बताओ, ठीक है, अगर नंबर ऑफ क्वांटिटीज इंक्रीज होगी, बच्चे आप सभी बताओ एक मिनट, अगर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बेटा करंट की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी, करंट की मात्रा भी बढ़ेगी। मतलब कहने का मेरा यह है कि अगर आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी हटा दिए तो भी सर्किट ब्रेकर के अंदर इस आर्क के माध्यम से क्या बहेगी, करंट, ठीक है, देयर विल बी ए करंट, यहां पर क्या होगा, करंट इज स्टिल देयर ड्यू टू द आर्क, मतलब लाइन आप तो ओपन कर रहे हैं लेकिन इस आर्क की वजह से क्या हुआ, इस आर्क की वजह से बेटा जो मीडियम है, ये जो मीडियम है
चाहे वो हवा का डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो, ऑयल का डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो। समझ गए बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया, ये बात पता चल गया, आर्क कैसे पैदा होगा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई गाइस? कि मतलब ये है कि सर ये जो आर्क है, ये वाला जो आर्क है, इस आर्क की वजह से सर्किट अभी ट्रिप नहीं हुआ, सर्किट ट्रिप नहीं हुआ, सर्किट ट्रिप नहीं हुआ है। समझ रहे हो बात? हिंदी में लिख दिया मैंने। चलो बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गई बात। मतलब ये आर्क अपने लिए एक आफत है प्रेजेंट टाइम में। मतलब ये बात कट टू कट क्लियर है कि सर जी ये आर्क जो है आफत है। अब इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर माय डियर चीजों का रिप्रेजेंटेशन करना होता है। अब अपन लोग किसी आम आदमी से पूछोगे कि बेटा आर्क क्या होता है, तो बता देगा यार आर्क मतलब चिंगारी या स्पार्क, आर्क का मतलब चिंगारी या स्पार्क। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिकल के अंदर उसका इफेक्ट दिखाना है तो यू हैव टू बी रिप्रेजेंट द आर्क। ठीक है, आपको आर्क को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो माय डियर आर्क है क्या? सर इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? माय डियर फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ यहां पर करंट, और करंट हमेशा दिखाता है कंडक्टिविटी या चालकता को। तो बेटा हम इस आर्क को यहां पर, स्पार्क क्या रिप्रेजेंट करता है? हीट, एक तरीके से हीट। तो अपन इस आर्क को रिप्रेजेंट करते हैं एज एन रेजिस्टिव इन नेचर। तो एक नंबर का सवाल तुम्हारा यहां से बनेगा, पहला पॉइंट एग्जाम के लिए तुम्हारा पहला पॉइंट यहां से आएगा। अरे देखो लल्ला कितने आगे चलते हैं हमसे, मतलब बच्चों हमारे पवन स्टूडेंट को थोड़ा सा सब्र नहीं होता। माय डियर रेजिस्टिव इन नेचर, अब जब ये रेजिस्टिव इन नेचर है, जब ये रेजिस्टिव इन नेचर है तो बेटा एक बात बता दो फिर, जब सर जी ये रेजिस्टिव इन नेचर हो गया तो वोल्टेज और करंट हमेशा किसमें चलेंगे? वोल्टेज और करंट किसमें चलेंगे बेटा? एक मिनट गाइस, सेम फेस में, गुड 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 गाइस, सेम फेस के अंदर चलेंगे, है ना? तो सेम फेस में चलने का मतलब क्या हो गया? तो आर्क आपका एक तरीके से रेजिस्टिव इन नेचर, लिख लो इस बात को, सारे बच्चे इस बात को लिख लो कि इट विल बी रिप्रेजेंट आर्क, आर्क इज रेजिस्टिव इन नेचर। पहला पॉइंट एसएससी जेई कोई भी एग्जाम ले लो, आपसे ये क्वेश्चन माय डियर पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि ये जो आर्क होता है, सो वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेस, सेम फेस। ठीक है, रेजिस्टिव आर्क। और दूसरा पावर फैक्टर क्या होगा यहां? इसका वन, क्योंकि रेजिस्टिव इन नेचर। कुछ नहीं थोड़ा सा वो हो गया था, डिले लैग हो रहा था, कोई नहीं कुछ नहीं सब सही है। चलो गाइस रेजिस्टिव इन नेचर। अरे यार आर्क ऐसा समझो, तुम देसी भाषा में समझो, आर्क मतलब स्पार्क, स्पार्क मतलब हीट, हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसी का इक्विवेलेंट एलिमेंट चाहिए, और हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही एलिमेंट बचता है जो है रेजिस्टेंस। चलो ये बात तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। पावर फैक्टर यूनिटी, क्योंकि रेजिस्टिव एलिमेंट का पावर फैक्टर सर यूनिटी होता है। ठीक है, तो यानी अब अपन इस रेजिस्टेंस को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। ठीक है, जो आर्क का रेजिस्टेंस है आप उसे ऐसे करके बोल सकते हैं कि अगर आप
आर्क की लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर्क, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आर्क, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ आर्क, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आर्क, ठीक है। और यहां पर आर्क जो होता है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। तो ये तीन पॉइंट याद रखो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए याद रखना कि राहुल सर ने बताए थे कि बेटा लेंथ बढ़ाऊंगा आर्क की, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल कट टू कट, बहुत मेरे को पता है डिप्लोमा वाले बच्चे को कहां प्रॉब्लम आती है, परेशान मत हो। तो लेंथ बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसे बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और अगर कंडक्टिविटी को बढ़ाओगे तो इसका नेचर क्या होगा, ठीक है, घटेगा। तो यहां पर ये बात आपको अपने पॉइंट में दिमाग में पुट करके रखनी है, समझ गए बात। चलिए, आई होप ऑल द पॉइंट हैव बीन क्लियर टू। अब देखो इससे होगा क्या सर, ये जो आर्क है इस आर्क से होगा क्या, देखो यार आर्क आएगा तो आर्क मतलब कैसी चीज है, यहां पर आर्क के बारे में एक बात लिख देते हैं अपन, देखो समझो इस बात, देखो जाओ मत, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, पढ़ लो। देखो यार अगर आर्क आया तो आर्क मतलब क्या सर जी, स्पार्क। बच्चे स्पार्क का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ऊष्मा पैदा करना, हीट, और बच्चे हीट पैदा होगी तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा सर जी, तापमान बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ेगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा अगर बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी सिस्टम की बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी में बच्चे अगर कंडक्टिविटी चालकता बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस ऑफ आर्क घटेगा, रेजिस्टेंस ऑफ आर्क घटेगा, रेजिस्टेंस ऑफ आर्क घटेगा, समझ रहे हो बात। और अगर ये घटेगा तो सिस्टम के अंदर करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो ये प्रोसेस फिर से चलता रहेगा। मतलब आर्क को, आर्क का प्रोसेस कैसा होता है, सेल्फ मूविंग और सेल्फ सस्टेन सिस्टम, समझे बात। मतलब अब हमारे लिए आर्क एक परेशानी बन चुका है, आर्क हमारे अंदर, हमारे सर्किट ब्रेकर के, अगर इस आर्क को भाई चिंगारी को अगर नहीं बुझाया तो सर्किट ब्रेकर जल जाएगा, क्योंकि आर्क क्या कर रहा है, हीट पैदा कर रहा है, हीट पैदा होने से तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से आयोनाइजेशन हो रहा है, द्वारा से आयोनाइजेशन होने की वजह से करंट बढ़ रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। इट इज ऑलवेज, ठीक है, मूविंग, ये चलता जाएगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। चलो यार ये बात समझ में आ गई, यानी अब सबसे बड़ा टास्क क्या है हमारे लिए, सबसे बड़ा टास्क है आर्क का इंटरप्शन, आर्क का इंटरप्शन मतलब आर्क को खत्म करना अपना अब टास्क बन चुका है। अब अपने लिए टास्क क्या है माय डियर, रिमूव ऑफ आर्क, रिमूवल ऑफ आर्क। अगर आपने आर्क को रिमूव नहीं किया, ठीक है, अगर आप यू डोंट, इफ नॉट, अगर आपने रिमूव नहीं किया, इफ नॉट, अगर आपने नहीं हटाया, देन सर्किट ब्रेकर इज डैमेज, सर्किट ब्रेकर इज डैमेज्ड, समझ में आ गई बात। यार मैं सारी बातें बताऊंगा, तुम SF6 वगैरह से बाद में बात करेंगे, अभी तुम ये बातें पढ़ो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी अब हमें क्या तरीके अपनाने हैं, आर्क इंटरप्शन मतलब आर्क को रोकने के तरीके, ठीक है, रोकने, देखो मैं हिंदी सही नहीं है, रोकने के तरीके, आर्क इंटरप्शन मेथड, ये दो याद रखने हैं आपको। हाई रेजिस्टिव इंटरप्शन, हाई रेजिस्टिव इंटरप्शन, करंट जीरो इंटरप्शन, ठीक है, हाई रेजिस्टिव इंटरप्शन या करंट जीरो इंटरप्शन,
तो ऐसा क्यों किया सर जी आपने? तो पहले मेथड को लेते हैं यार, एक बात बताओ, नाम से ही पता चल रहा है, रेजिस्टेंस को हाई कर दिया। देखो यार, रेजिस्टेंस को हाई कैसे किया जा सकता है, या तो लेंथ को बढ़ा के, या सर एरिया को कम करके, या कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को कम करके, चालकता को कम करके। तो जब आप ये सब चीजें कर दो तो माय डियर व्हाट विल हैपन, आर्क बढ़ जाएगा, आर्क का प्रतिरोध बढ़ेगा। जब आर्क का प्रतिरोध बढ़ेगा तो बच्चे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब करंट का वैल्यू कम हो जाएगा तो हीट कम हो जाएगी, और हीट कम हो जाएगी तो तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम हो जाएगा तो आर्क अपने आप ही क्या हो जाएगा, आर्क विल एक्सटिंग्विश। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल, डिवाइड एंड रूल। अब अपन लोगों ने क्या काम करा, किसी को बढ़ा दिया, किसी को घटा दिया। हमने देखा अगर हम इस आर्क को बढ़ा दें तो ये रेजिस्टेंस जो है, ये जो करंट है, इस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। और यही करंट बार बार आर्क को बनाने का क्या था, नेचर था। ठीक है यार, देखो चलो अभी बताएंगे धर्मेंद्र साहू, सारी चीजें आएंगी, वेट करो। चलो भाई, ये वाला पॉइंट किस किस को क्लियर है? आर्क इंटरप्शन मेथड किस किस को क्लियर है? आर्क इंटरप्शन मेथड किस किस को क्लियर? बेटा मेरी पुरानी वीडियोस देख लो रिले वाला, उसमें सब बता दिया मैंने आपको, सर्किट ब्रेकर कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं। बताओ बताओ बताओ, हां कि ना, क्लियर कि नहीं? चलो आगे चलते। तो यानी तुम्हें यह बात समझ में आ गई, पहले वाले मेथड में सर हम बस, पहले वाले मेथड में आप क्या करोगे, आर्क का प्रतिरोध बढ़ा दो, यानी आर्क का प्रतिरोध आप बढ़ाएंगे। चलो क्लियर क्लियर। अब देखो अगला कौन सा है, अगला है पॉइंट सेकंड, करंट इंटरप्शन। यार एक साइकिल के अंदर करंट जो होता है, एक साइकिल के अंदर करंट जीरो भी होता है। तो जब करंट जीरो होता है साइकिल के अंदर, तो सर्किट ब्रेकर को इस मूवमेंट पे आप क्या करो, ओपन कर दो। जब करंट ही जीरो आ गया तो सर जी हीट शून्य, जब हीट जीरो तो टेम्परेचर जीरो, और जब टेम्परेचर जीरो तो भैया आर्क अपने आप क्या हो गया, आर्क विल एक्सटिंग्विश। तो यानी करंट जीरो इंटरप्शन मतलब ओपन द सर्किट ब्रेकर, ओपन सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन द करंट विल बिकम जीरो। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है गाइस, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो अपन ने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर ले, एक बार देख ले। हमने देखा सर आर्क की प्रक्रिया बनती है जैसे ही फिक्स्ड कॉयल मूविंग कॉन्टेक्ट से हटती है। इस आर्क इसलिए बनता है क्योंकि आयोनाइजेशन होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो आर्क सस्टेन रहता है। ठीक है, आर्क एक सस्टेन इन नेचर होता है, इसे खत्म करना हमारा काम है। इसे इंटरप्ट करने के दो तरीके, हाई रेजिस्टिव मेथड, करंट जीरो इंटरप्शन मेथड। आई होप ऑल द पॉइंट हैव बीन क्लियर टू यू। लेकिन 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 माय डियर, यहां पर आर्क इसके साथ एक ड्रॉबैक है, इसके साथ एक ड्रॉबैक, द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द आर्क इंटरप्शन मेथड क्या है देखो। इसके अंदर सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन मेथड का, वो बेटा क्या है, देखो मैंने अभी बताया कि ये रेजिस्टिव इन नेचर होता है। जब रेजिस्टिव इन नेचर होगा तो सारी की सारी एनर्जी सर्किट ब्रेकर ही रिसीव करेगा। ठीक है, सर्किट ब्रेकर ही रिसीव करेगा, तो उस टाइम सर्किट ब्रेकर को बनाते वक्त आपको उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सॉरी गाइस, ज्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, ज्यादा रखनी पड़ेगी, अदरवाइज सर्किट ब्रेकर भैया ब्लास्ट, सर्किट ब्रेकर के बस की बात नहीं है। तो दिस मेथड कहां पर अप्लाई होगा, डीसी पावर सर्किट ब्रेकर, जो अभी मंजीत सिवू बात कर रहे थे, और मीडियम लो एंड मीडियम एसी पावर सर्किट ब्रेकर। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना।
ठीक है, क्लियर? आप बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक एक पॉइंट मिल गया? यार अभी बताऊंगा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम ये नहीं बता रहे हो जो बता रहा हूं, वो समझ आया कि नहीं आया? हां कि ना बताओ? आज का लेक्चर इंटरेक्टिव लग रहा है ना ज्यादा? आज का लेक्चर ज्यादा इंटरेक्टिव लग रहा है ना? चलो आई होप। तो सर ये बताइए कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है? आपने तो यहां बता दिया, आओ देखते हैं। देखो होता क्या है, यह हाई इंटरप्शन मेथड काम कैसे करता है। ठीक है, हाई इंटरप्शन मेथड देखो माय डियर, देखो देखो, ये फिक्स्ड कॉइल और ये है मूविंग कॉइल। क्या करें यार, अब अपने पास करना पड़ता है भाई, है ना, मूविंग कॉइल। ठीक है, ये है आपका फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। तो माय डियर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप आर्क की लेंथ को बढ़ा दोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप देखो यही कर रहे हो, आप यहां पर आर्क की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो। यू हैव टू बी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ। आप इस वैल्यू को क्या कर रहे हो, इस आर्क की लेंथ को देखो आपने क्या करा। अगर ये डायरेक्ट होता तो लेंथ इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन आपने आर्क की लेंथ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जैसे ही लेंथ बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया आपका, घट गया। समझ रहे हो बात? चलो चलो चलो, ये पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हो आप, यार ये फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है, ये आपका मूविंग कॉन्टेक्ट है। ठीक है, ये फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है, ये मूविंग कॉन्टेक्ट है। तो माय डियर यहां क्या करोगे आप, भाई ये आपका आर्क बन रहा है तो इसके अंदर आपने क्या फ्लो करा दी, एयर। जैसे ही आपने एयर का मीडियम इसके अंदर पुट किया, कोई भी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल बिल्कुल आर्क स्प्लिटर, मेटल मेटल आर्क स्प्लिटर, तो ये देखो ये क्या करेगा, इसने आर्क की लेंथ को बढ़ा दिया। इट विल इंक्रीज द आर्क लेंथ, ये देखो इट विल इंक्रीज द, ये हवा जाएगी और ये आर्क की लेंथ को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। पहले आर्क की लेंथ ये थी और ये आर्क की लेंथ क्या हो गई, अब इंक्रीज हो गई। तो यहां से क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ आर्क हैव टू बी इंक्रीज्ड। तो यहां पर आप ये पॉइंट याद रखें, एरिया को इंक्रीज किया आपने, वो डिक्रीज किया, लेंथ को इंक्रीज किया और इस वैल्यू को आपने इंक्रीज किया। ठीक है, चलो क्लियर गाइस, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आर्क चिपिंग। ठीक है, समझ गए बात? तो इसकी जगह आप कभी कभी क्या यूज करते हो, देखो अब होता क्या है, आर्क को अगर आप स्प्लिट कर दोगे, अगर आप आर्क को स्प्लिट कर दोगे माय डियर, तो होगा क्या, इसका एरिया मिनिमम हो जाता है। और ये जो स्प्लिट करते हो आप किसकी मदद से करते हो, मेटल आर्क स्प्लिटर। ठीक है, मेटल आर्क स्प्लिटर की मदद से आप एरिया ऑफ आर्क, आर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हो ऐसे ऐसे करके। तो यहां पर होगा क्या, ठीक है, जैसे ही यहां पर आर्क आपका घट गया, एरिया घट गया, एरिया जैसे ही इंक्रीज हुआ, एरिया जैसे ही डिक्रीज हुआ, तो आपका आर्क क्या हो गया, बढ़ गया। तो समझ गए, ये काम होता है मेटल आर्क स्प्लिटर का, मेटल आर्क स्प्लिटर का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यार इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आ गए कि हाई इंटरप्शन मेथड कैसे काम करता है।
देखो एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने तुम्हें, ठीक है, एक एक पॉइंट लिख दिया, एक एक चीज बता दी है, क्लियर? बताओ क्लियर क्लियर बताओ, हां कि ना, क्लियर ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, दो थ्योरी और हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है? देखो, देयर आर टू मोर थ्योरीज, क्योंकि लिमिटेशन है हाई रेजिस्टेंस मेथड की, ठीक है? तो ये जो फेनोमेना ऑफ आर्क एक्सटेंशन है, ये बेटा एनर्जी बैलेंस थ्योरी और वोल्टेज बैलेंस थ्योरी के हिसाब से भी दी जाती है। चलिए, एनर्जी बैलेंस थ्योरी और वोल्टेज रेस थ्योरी, तो बेटा आप पढ़ते हैं अपन लोग एनर्जी बैलेंस थ्योरी। चलिए आओ इधर आओ। अब देखो एनर्जी बैलेंस थ्योरी क्या कहती है, करना अभी भी आर्क को एक्सटिंक्ट है, तो इन थ्योरीज की मदद से भी क्या कर रहे हो आप, आर्क को एक्सटिंग्विश कर रहे हो, समझा रहे हो कि कैसे कर सकते हैं। तो माय डियर, ये थ्योरी क्या कहती है, देखो अगर हीट बढ़ रही थी तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, और टेम्परेचर बढ़ रहा था तो रेट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ मीडियम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, है ना? रेट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ मीडियम बढ़ेगा, तो यानी अगर आपका रेट ऑफ हीट इज मोर देन हाँ बेटा, सारी स्विचिंग में जब आऊंगा तो वो ट्रांजिएंट ही बताऊंगा, रेट ऑफ हीटिंग इज मोर देन रेट ऑफ हीट डिसिपिएशन, ठीक है? रेट ऑफ हीट जब ज्यादा हो जाए रेट ऑफ हीट डिसिपिएशन से, तो क्या होगा माय डियर, यहां पर आयोनाइजेशन होगा ऑफ मीडियम, और बच्चे आयोनाइजेशन ऑफ मीडियम का मतलब क्या है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बेटा जब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आर्क क्या होगा, आर्क इज रीस्ट्राइक, मतलब आर्क द्वारा से आपका आर्क बुझेगा नहीं, आपका आर्क, ठीक है, आप जो है, ठीक है, आपका आर्क क्या होगा, बुझेगा नहीं। तो इसके बाद आगे चलते हैं। बिल्कुल सही कहा मंजीत, चलो बताना जरूरी है। और अगर आपका रेट ऑफ हीट कम हो, लेस देन रेट ऑफ आयोनाइजेशन, सॉरी रेट ऑफ डिसिपिएशन, ठीक है, यानी सर्किट ब्रेकर के अंदर आपकी हीट कम पैदा हो रही है, इफ द हीट प्रोड्यूस कम, या आपकी जो हीट है वो डिसिपिएशन बाहर इनवा, ठीक है, ज्यादा जा रही है, अच्छे से हीट ट्रांसफर हो रहा है, यानी यहां पर हीट का ट्रांसफर अच्छे से हो रहा है, तो देयर विल बी नो आयोनाइजेशन, नो आर्क स्ट्राइक। समझ में आ गई बात? चलो, तो आई होप ये पॉइंट आपको अपने माइंड के अंदर रखने, ये एनर्जी बैलेंस थ्योरी है जो आपको ये जानकारी देती है, ठीक है गाइस? समझ में आ गई बात? ये देखो सर्किट ब्रेकर के अंदर यार, देखो हीट प्रोड्यूस होगी, अगर सर्किट ब्रेकर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर की तरफ निकल जाए, और ये प्रोसेस क्या हो, लगातार होता रहे, यानी बाहर जो हीट निकल रही है उसका प्रोसेस अगर ज्यादा है अंदर बनने वाली हीट के मुकाबले, तो कभी भी आर्क रीस्ट्राइक नहीं करेगा। लेकिन अगर हीट ज्यादा बन रही है अंदर और डिसिपिएशन हीट का बाहर कम हो रहा है, तो क्या होगा, ठीक है, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन देन सर, आर्क इज रीस्ट्राइक। क्लियर गाइस? क्लियर?
ये बात समझ में आ गई? चलो, तो आई होप सर, अगला है वोल्टेज रेस थ्योरी। यार वोल्टेज रेस थ्योरी आपको क्या कहती है कि अगर आप आयोनाइजेशन के रेट को, आयनीकरण रेट को कम कर दो तो आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगा, और आयोनाइजेशन का रेट कैसे कम किया जा सकता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा को कम कर दिया जाए। हाउ? अगर इन्हें कम करने कर देंगे तो कैसे करेंगे? अगर कंडक्टिविटी, चालकता को, मीडियम की चालकता को क्या कर दो, कम कर दो, तो ये कैसे करोगे? अगर आप डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दो, अगर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दो, अगर आप डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, तो यानी इंक्रीज करने का मतलब हो गया आपने उसके अंदर क्या फिल कर दो, मीडियम, एयर, ऑयल, वैक्यूम, ठीक है, SF6, इनकी मदद से आप क्या करोगे, आर्क को एक्सटिंग्विश करेंगे। ठीक है, आर्क एक्सटिंग्विश, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और अपने आप आर्क हमारा फाइनली एक्सटिंग्विश अकॉर्डिंग टू वोल्टेज रेस थ्योरी। ठीक है, तो यहां पर क्या करना होगा, आपका जो रिकॉम्बिनेशन रेट है ठीक है, क्लियर? तो यहां पर दो, अब सर इन थ्योरीज से हमें क्या पता चला, इन थ्योरीज से हमें यह पता चला, ये जो पूरी की पूरी सर्किट ब्रेकर की थ्योरी पढ़ी हमने, समरी, इस समरी से हमें एक बात पता चल गई कि सर्किट ब्रेकर का जब फिक्स्ड कॉयल एंड मूविंग कॉयल, मूविंग फिक्स्ड कॉयल और मूविंग कॉयल, ठीक है, ओपन होते हैं तो बेटा क्या प्रोड्यूस होता है, आर्क। और ये जो आर्क होता है बेटा, ये क्या होता है सर, ये रेजिस्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, रेजिस्टिव इन नेचर होता है। इस आर्क को हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटिंग्विश करना पड़ता है, बिकॉज ये सेल्फ सस्टेन इन नेचर होता है, सेल्फ सस्टेन इन नेचर। और जिसे एक्सटिंग्विश करने के लिए हम दो तरीके कर सकते हैं, या तो हम हाई रेजिस्टिव, ठीक है, इंटरप्शन, हाई रेजिस्टिव इंटरप्शन, या आपका करंट जीरो इंटरप्शन। ये वाला मेथड डीसी के लिए एप्लीकेबल है और लो एसी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है गाइस, ठीक, बिल्कुल। लास्ट में कौन जीतेगा, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन रेट क्या हो गया, डायलेक्ट्रिक का ज्यादा हो गया। ठीक है गाइस, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया, आज जो पूरा पढ़ा हमने उसकी समरी यही है गाइस। कितने बच्चों को समझ में आ गया यार, जल्दी बताओ कितनों को समझ में आ गया ये पॉइंट, आप बताओ, जिसका जो भी डाउट है या जो बात है वो पूछ लो। ठीक है, अपना आज का टॉपिक, चलिए ठीक है गाइस, ये बात समझ में आ गई आपको, एक एक पॉइंट आपको बता दिया मैंने। चलिए चलिए चलिए, चलिए
तो गाइज आप सबको बता देता हूँ, YouTube पर क्लास चलती है अपनी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम सब नहीं आते हो, काफी बच्चे नहीं आते। मॉक टेस्ट, करंट जीरो कैसे करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो यार। करंट तो साइकिल में, एक बार बताओ, जब एसी आता है तो करंट कितनी बार जीरो हो रही, यहां देखो ये दो बार जीरो हो रही कि नहीं हो रही। तो इस मोमेंट पे आप सर्किट ब्रेकर को क्या करते हो, ओपन करते हो। हाँ यार लेकर आएंगे, एमसीक्यूज भी लाएंगे, ठीक है, 4 से 5, और स्पेशल क्लास भी होती है सुबह 10:30 से 11:30 बजे, ठीक है गाइस। बिल्कुल बिल्कुल लगाओ, PYQs तो लगाओ, PYQs आपको 60% तक सिलेबस आपका कवर हो जाता है, PYQs 60-70%। चलिए सो गाइस, अगर आपको लगता है, मैं आपके डाउट लेता हूं, कॉन्सेप्ट लेता हूं, या आपको लगता है राहुल सर आपके लिए एफर्ट करते हैं, है ना, या आपको लगता है कि मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा है, तो आप Rahul11 कोड को यूज करके Unacademy Plus पर टेक ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ बताओ यार, अपनी बातें लिखते जाएगा, ज्वाइन हो सकते हैं और मेरे साथ और मेरी पूरी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बताओ यार, आओ बातें करें। हाँ हाँ बिल्कुल, जो थोड़ा ना आंखों पे भी असर पड़ता है। अरे यार बताओ इस बच्चे को, राजपूत भाई बच्चे को, कि बच्चे मैं एमसीक्यूज दे रहा हूं, टेस्ट दे रहा हूं तुम्हें, 2 घंटे के लगातार एमसीक्यूज होते हैं यार, जब बात करना मेरे से ग्रुप पे बात कर लेना, बता दो यार। ये तो तुम नोटिफिकेशन को पढ़ो, चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। चलिए।